अभी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, रंजन भाई ने आपको बताया, ये अपने उड़ीसा प्रदेश की सदस्यता की शुरुआत अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सदस्य बनाकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी करने जा रहे हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का यह सदस्यता अभियान एक हमारा पर्व है और ये पर्व 6 साल बाद आपका अवसर आया है। ये देखिए, जब पार्टी की स्थापना हुई थी, जनसंघ की स्थापना हुई थी 1951 में, उस समय देश में 2 पार्टियां थीं, जिसमें स्वदेशी विचार की कोई पार्टी नहीं थी। एक कांग्रेस थी जिसको अंग्रेज ने बनाया था और वो वेस्टर्न के विचारों पर चलने वाली, और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी थी जो समय विचारों पर चलने वाली थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी स्थापना इसीलिए की कि अपने देश के विचारों पर चलने वाली पार्टी जनसंघ बनी है, और दीनदयाल उपाध्याय जी उसके प्रदेश उसके राष्ट्रीय महामंत्री बने थे। पहले लंबे समय तक संघर्ष के बाद हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने अपनी कुर्बानियां दी, मेहनत की, जिसके फलस्वरूप पार्टी इस स्थिति में आई। और ये भी समय आया जब 80 में हमारी जनता पार्टी सलग हुई तो भारतीय जनता पार्टी वही जनसंघ वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अध्यक्ष बने। एक समय था हमारी पार्टी के 2 सांसद पार्लियामेंट में थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम दो हमारे दो, इस तरह का उन्होंने एक टॉन्ट कसा था। और उसका जवाब हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या दिया था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। आज वो कमल खिला हुआ है और पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में 2 बार और तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, जो आजादी के बाद दूसरा अवसर है। यही नहीं, देश भर में आज करीब हमारे पास 335 के करीब सांसद हैं, 1300 से अधिक विधायकगण हैं और दुनिया की सबसे बड़ी संख्या की पार्टी 18 करोड़ की सदस्य संख्या हमारी हुई। तो ये साथ ही मैं एक और कहना चाहता हूं, यहां के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं, आजादी के बाद पहली बार उड़ीसा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो ये आपकी बदौलत बनी है। और केवल पूर्ण बहुमत की यही सरकार नहीं बनी, 21 में से 20 सांसद आपने चुनकर भेजे हैं। मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं, इसलिए आपका थोड़ा दायित्व भी बढ़ जाता है, अपेक्षाएं भी पार्टी की बढ़ी है। हम करीब करीब जब लोकसभा चुनाव हुआ है, 111 विधानसभाओं में हमने लीड किया, 111 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक मत मिले हैं। जो परिवार हमारे साथ जुड़े हैं लोकसभा के लिए, उन परिवारों तक पहुंचने का काम हम इस सदस्यता पर्व पर करेंगे। इस संकट के साथ आप जुड़ेंगे तो वो परिवार हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। सदस्यता के अलग अलग हो सकते हैं लक्ष्य, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, इस बार रिकॉर्ड सदस्यता होनी है। उड़ीसा में अब तक के सब रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस संकल्प के साथ हमारे कार्यकर्ताओं को लगता है पार्टी का कार्यकर्ता ये केवल पद के लिए नहीं, ये केवल हमारा मंत्री विधायक सांसद बनने के लिए नहीं, एक विचारों से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। और इसलिए कार्यकर्ताओं को जो दायित्व दिया जाता है, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि आप छात्रों की छात्रावास पर, कॉलेज के बाहर डेस्क लगाकर, जगह जगह रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, चौराहों पर, जहां भी है सदस्यता करने का काम करेंगे। और हर जिले में बूथ तक अपनी पार्टी है, बूथ की कमेटी सक्रिय है। हर बूथ पर हमारा एक संकल्प होना चाहिए, हम कम से कम 400 सदस्य बनाने का काम करेंगे। केंद्र कह रहा 200,
और मैं कह रहा हूं ईसा के कार्यकर्ताओं से हर बूथ पर 400 सदस्य बनाने का काम करें और रिकॉर्ड सदस्यता बने। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जा रहे हैं, उनका भी समय है। मैं एक ही बार आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस सदस्यता के माध्यम से आपको जिनसे जिन्होंने आपको मत दिया है उनको भी जोड़ना है, जिन्होंने मत नहीं दिया उन परिवारों तक भी जाने का काम करना है। ये अवसर है, हमारे 100 दिन सरकार को होने जा रहे हैं, वो भी इसी बीच में पड़ेगा। सरकार की उपलब्धियां जो एक साल में होनी थी वो 100 दिन से पहले मुख्यमंत्री जी के दिन पर हो गई है। इसको भी घर घर तक ले जाना आपका काम है, इसको घर घर तक ले जाने का काम भी करेंगे, सदस्यता भी करेंगे। और जो अभी 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है सुभद्रा योजना का, वो भी इसी बीच में है, उसको लिए भी जी जान से जुटकर रिकॉर्ड महिलाओं को लाने का काम करेंगे। ये सब है, लेकिन इन सब कार्यक्रमों के बीच सदस्यता का कार्यक्रम कहीं नहीं रुकने पाएगा। ये 6 महीने चलने वाली सदस्यता नहीं है, 45 दिन में सदस्यता पूरी होनी है। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ये काम सुस्ती से नहीं होना बल्कि चुस्ती से होना है, जल्दी होना है, निष्ठा से होना है, हर किसी को अपना दायित्व निभाना है और रिकॉर्ड सदस्यता करके दिखानी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि निश्चित आप सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।